हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मैं आपसे थोड़े सजेशन भी चाहता हूँ। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक आप लोग देख रहे हो और काफ़ी ग्रो भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपसे बात करें और बात करके ये पूछें कि आपको कैसा लग रहा है हमारा चैनल और क्या हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि मैं कई टॉपिक्स पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है डायनेमिक एनालिसिस के बारे में, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और जैसे ही हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट होगा उस पर भी मैं लेके आऊँगा वीडियो। फैब्रिकेशन ड्राइंग, इरेक्शन ड्राइंग में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या होता है इसके बारे में। एक्चुअली मैं जो चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक आया उसके बारे में फुल रिसर्च हो, कंटेंट ऐसा हो कि आपके लाइफ को इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय जरूर लूँगा, साथ ही आपको आगे क्या चाहिए उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करके रखिए, सो दैट कि उस टॉपिक्स पर भी हम लोग रिसर्च कर सकें दोस्तों। तो जस्ट इस वीडियो में हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं लाइक स्टैट प्रो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है कि अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू में, सो व्हाट दे कैन आस्क टू यू, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क टू यू, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आप जा रहे हो स्टैट प्रो के लिए तो दैट मीन योर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज़ गुड। सो मैंने लाइक दो वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जिसमें मैंने बताया हुआ कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से वीडियोस इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्वेश्चन दे कैन आस्क। सो फ्रेंड्स, लाइक जब व्हेन यू ओपन योर स्टैट प्रो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे कैन आस्क टू यू, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ स्टैट प्रो, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। सो दैट इज .std. Other question what they can ask? They can ask how can we start to do the project in STAAD.Pro. बहुत general question है, STAAD.Pro में project कैसे start करते हैं, new project, space, meter kilo newton, then add frame and then you, okay. But अब इसमें आपसे question what type of question they can ask कि what where we use space. तो फ्रेंड्स, यू कैन रीड हियर स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ थ्री डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो दैट स्ट्रक्चर इज़ इन 3D, सो यू कैन यूज स्पेस। इफ़ योर स्ट्रक्चर इज़ इन 2D, सो यू कैन यूज प्लेन। इफ़ योर स्ट्रक्चर इज़ अ फ्लोर लाइक FX, FZ मीन्स स्लैब, स्टेयरकेस लाइक दिस स्ट्रक्चर, सो यू कैन यूज फ्लोर्स। एंड इफ योर फ्रेम इज ट्रस इन द सेंस लाइक फ्रेंड्स might be it can like tower and queen truss, how truss, bridges truss structure, ऐसे कुछ structure है तो you can use trusses, okay। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि where we use truss, where we use plane and where we use floor and where we use truss। तो आज से आप लोग इन सारे questions का answer कर सकते हो। दूसरी मैंने एक problem देखी है friends, लगे अगर आप interview में जाते हो तो their unit will different। मान लीजिए कि उनका unit meter में है और आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो किस में चल रहा है, मतलब कि जो आपने पढ़ अभी स्टडी किया था वो स्टडी किया था फीट इंचेस में, या आपने स्टडी किया है मीटर में उनका है फीट इंच में, तो आपको यूनिट कैसे ध्यान में रखने हैं कि यूनिट कौन सा हमको रखना चाहिए उसके लिए, इसके लिए भी थोड़ा से सेटिंग्स जिसको आप देख सकते हैं। जैसे स्टैट प्रो खोलते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट ओपन योर कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज योर यूनिट, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट यू वांट। हियर बेस यूनिट इज राइट नाउ मैट्रिक बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल विथ मैट्रिक ओनली, बट if you are comfortable with like english means feet inches, so you can use set here feet inches, otherwise metric is good for me। so aapko jo like unit acha lage jis unit mein aap kaam karne mein comfortable you can take from here and then apply kar dijiye, aur apply karne ke baad accept karke okay kar dijiye। ye to raha aapka unit set karne ka। dusra aapse kya question puch sakte hain ki aapne stat pro ka kaun sa series use kiya hai, so you can say to them ki stat pro v8i series 6। आप सीरीज 5 भी बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि सीरीज 5 और सीरीज 6 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इवन मैं बोलूँ अगर अच्छे की तो सीरीज 5 इज़ मोर बेटर देन सीरीज 6, लेकिन रिज्यूम में प्लीज़ आप स्टैट प्रो लाइक सीरीज 6 मत लिखना। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कंपनी के पास स्टैट प्रो V8i सीरीज 4 हो, तो उसको लगेगा कि आपको सीरीज 4 तो चलाना आएगा ही नहीं क्योंकि आप तो सीरीज 6 सीख के रखे हो। तो इट्स बेटर यू कैन जस्ट मेंशन देयर स्टैट प्रो, क्या मेंशन करना है आपको स्टैट प्रो, ओके। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस मीटर किलो न्यूटन, यहाँ पे फाइल नेम एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, दे कैन आस्क वेयर वी यूज एड बीम।
अगर हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है और हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बीम से बनाने वाले हैं, मतलब कॉलम को भी यहाँ पे हम लोग बीम ही बोलते हैं, तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बीम से बनाने वाले हैं, यू कैन यूज एड बीम। इफ़ यू आर यूजिंग यर एड प्लेट, एड प्लेट बोले तो मतलब कि अगर आपका कोई प्लेट है लाइक अ स्लैब का प्लेट है, वाटर टैंक का प्लेट है, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए आप लोग यूज़ कर लीजिए एड प्लेट। आफ्टर दैट आपसे पूछ सकते हैं वेयर वी यूज एड सॉलिड, तो एड सॉलिड फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई सॉलिड बॉक्स है उसके लिए अगर उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं तो एड सॉलिड यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस यू कैन दे कैन आस्क क्वेश्चन कि वेयर वी यूज ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, सो यू कैन से ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड इज नथिंग बट जस्ट अ ब्लॉक लाइक अ ब्लॉक, लाइक आपने देखा होगा ऑटोकैड में ब्लॉक होता है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लॉक, वी कैन एडिट दिस एंड यूज एज लाइक आवर स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास कुछ ट्रसेस हैं इसके अंदर बाई डिफॉल्ट हैं, कुछ RCC स्ट्रक्चर हैं जो भी इसके अंदर बाई डिफॉल्ट हैं, जिनको हम लोग एज अ ब्लॉक प्रीफर करके उनको एडिट करके डायनमिक होते हैं ये, तो यू कैन जस्ट एडिट एंड यूज फॉर लाइक कुछ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू है। After that they can ask question कि where we use what is open STAAD editor या where we use open STAAD editor। तो friends जैसे हमने कोई load लगाया, suppose I'll put the dead load is 10 kN, but right now when I'll calculate again I get the dead load is 8 kN, so how can we edit these things? Otherwise suppose I assign the more supports and I want to delete that supports, so you can use open STAAD editor and you can edit whatever you want, okay, from here। And last is edit job information, आपने project complete कर लिया, how many beams are there, how many columns are there, so वो report कैसे बनाओगे, that report you can make with the help of edit job information। And after this when you click an add beam and then finish, अब देखिए आप क्या question पूछ सकते हैं आपसे। तो मैंने कुछ questions तैयार किए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हो, प्लस आपके पास कौन से क्वेश्चन है स्टैट प्रो से रिलेटेड जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए और आप नहीं बता पाए, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। सो ये वीडियो जस्ट, और मैं कोई टॉपिक नहीं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार पूछे जा सकते हैं एज अ फ्रेंड, ओके। सो अगर मैं बात करूँ तो अभी आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रिड कैसे एडिट करते हैं, सो एवरीवन नो आई थिंक लाइक जस्ट गो टू एडिट एंड जस्ट क्रिएट फ्रॉम एडिट। तो आप देखना मेरा स्टैट प्रो का लेक्चर 1 है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है, तो आप शायद उसको समझ सकते हो। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं अभी तक में जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, चलिए एक एक क्वेश्चन पे थोड़े थोड़े बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे कैन आस्क, व्हाट स्ट्रक्चर कैन यू मॉडल एंड एनालाइज इन स्टैट प्रो, स्टैट प्रो में व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअली किस तरह के स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हो। तो स्टैट प्रो में दोस्तों हम लोग स्टील और आरसीसी की एनालिसिस कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि किस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई बिंड लोड, आपसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि हाउ टू अप्लाई बिंड लोड। सो बिंड लोड अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपसे पूछेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मेरे स्टेट प्रो का लगभग सारे सीरीज कंप्लीट किए हैं, अगर कोई वीडियो नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करना, उसको भी हम कवर कर देंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। तो बिल्ड लोड के कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप आपको नहीं पता है उसमें स्टेप में क्या है कि जैसे कि हम लोग डेड लोड लाइव लोड डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद अगर बिंड को नहीं डिफाइन किया और उसे पहले फ्लो लोड डिफाइन कर दिया तो सॉफ्टवेयर कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसके स्टेप हैं, इसलिए वो चेक करते हैं कि आपको स्टेप पता है क्या। सो प्लीज़ एक बार आप बिंड लोड को अच्छे से करके तब जाना तो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद पूछ सकते हैं हाउ टू अप्लाई अ सेस्मिक लोड, आप सेस्मिक लोड का क्वेश्चन आपसे क्यों पूछते हैं फ्रेंड, सेस्मिक लोड का क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं आपसे, एक फुल स्क्रीन कर देता हूँ उसको मैं, तो सेस्मिक के लिए आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो पूछ आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको IS कोड पता होगा, आपको सेस्मिक जोन पता होगा। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था कि सेस्मिक जोन कितने हैं इंडिया में और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं वो लोग, स्ट्रक्चर का क्लास A है कि B है कि C है वो सभी आपसे चेक करते हैं, तो उसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी तक में मैंने देखे हैं वो आए हैं कि कैन यू परफॉर्म रेडियस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इन स्टैट प्रो, क्या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस स्टैट प्रो में आप कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो? तो हाँ जी, इसका आंसर है यस, वी कैन लाइक डू द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इन स्टैट प्रो। ये क्या है एक्चुअली, ये डायनेमिक एनालिसिस है, वाइब्रेटर उसका वाइब्रेशन अगर बिल्डिंग में चेक करना है, फॉर दैट ओनली वी यूज दिस, और ये केवल हाई राइज बिल्डिंग के लिए हम लोग डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। सेस्मिक का एक पार्ट है, नॉर्मल सेस्मिक क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस होता है, एक होता है डायनेमिक एनालिसिस, तो डायनेमिक एनालिसिस भी कर सकते हो उसके अंदर। बट अगर मैं डायनेमिक एनालिसिस के रिजल्ट की बात करूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ETAPS में देखा कि डायनेमिक एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से होता है कंपेयर टू स्टैट प्रो, तो मैं स्टैट प्रो की जगह पे फॉलो करता हूँ ETAPS को डायनेमिक एनालिसिस के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे बेटर है डायनेमिक एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो लोग, मॉडल अ सिंपल स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड शो द रिजल्ट,
वो आपको एक मॉडल दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इस मॉडल को एनालिसिस करके दिखाओ मुझे और इसको रिजल्ट इसका दिखाओ और इस में जो एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें लोड कॉम्बिनेशन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ उसके लिए भी आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखो कि हाँ जी ये कर हो सकता है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं हाउ टू यूज़ रिजल्ट टू डिज़ाइन फुटिंग्स। अब डिज़ाइन कर लिया फुटिंग को, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं दो तीन उस पर जो फुटिंग के बारे में, तो उनको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा उसमें क्या क्या डालना पड़ता है। SBC सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी डालनी पड़ती है, लाइक अगर पाइल फाउंडेशन है तो हाउ मेनी पाइल्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, 2 or 3 or 4 और एनीथिंग एल्स। तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका सेक्शन जो दिख रहा है इसको रीड कैसे करेंगे, 8mm बार का स्पेसिंग क्या रखेंगे, हाउ मच स्पेसिंग वी कैन प्रोवाइड फॉर 8mm बार्स, ठीक है, 10mm पे अगर डिजाइन किया तो 10mm पे कितना स्पेसिंग्स दिया है। और उसके बाद पूछ सकते हैं रीडिंग द आउटपुट एंड रिजल्ट, क्या होता है कि जब स्टैट प्रो आप एनालिसिस करते हो आपने मैक्सिमम चांस एक सीख लिया होगा तो उसके बाद एक रिपोर्ट आती है बड़ी लंबी सी, उसको ना रीड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो उसको रीड कैसे करते हैं इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसका जो रिजल्ट आया उसमें कोई वार्निंग आ गई, ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि सेल वेट डाटा इग्नोर, मतलब आपने सेल वेट को सही स्टेप पे नहीं लगाया, कभी कभी ऐसा होता है। डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आपने मटेरियल नहीं लगाया उसके ऊपर, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह के तरह तरह की वार्निंग्स आती हैं, नोट आता रहता है। वन वे टू वे स्लैब नॉट लाइक डिफाइंड, तो अगर वन वे टू वे स्लैब फ्लो लोड में नहीं डिफाइन किया तो उसके लिए वो नोट आएगा, तो दे कैन माइट बी दे कैन आस्क की व्हाई दिस टाइप ऑफ नोट कमिंग, व्हाई दिस टाइप ऑफ वार्निंग स्कैम, व्हाई दिस टाइप ऑफ एरर स्कैम, सपोर्ट नहीं लगाओ तो एरर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और इसके बाद होता है व्हाट इज पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, इसे भी बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या व्हाट इज पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड इज नथिंग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल चेक द व्हाट इज एग्जैक्टली शियर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज डिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली रिजल्ट पैलेट इसको बोल सकते हो आप। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना आया, उसके बाद रिजल्ट पे जाके उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट देख लेते हैं, शियर फोर्स कितना है उसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट कितना है उसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग तब होती है जब एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो जाती है और एनालिसिस करने के बाद ही केवल हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग को देख सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेक शियर फोर्स एज पर कोड, ठीक है। अब पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूँ तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर आप स्टैट प्रो में चेक कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार मैनुअली भी सीख लो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि आप मैनुअली करोगे तो उसका डाटा डिफरेंट आएगा और आप जब स्टैट प्रो पे करोगे तो उसका डिफरेंट आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मैनुअली करते हो तो उसमें सेल्फ वेट नहीं ऐड करते हो, और स्टैट प्रो में आपने क्या सीखा होता है कि हर जगह पे आप सेल वेट ऐड कर देते हो 1.5। जब सेल वेट आप ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका लाइक शियर फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। सो प्लीज़ उस टाइम पे आप याद रखो कि अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स लगाना तो केवल यूनिफॉर्म फोर्स लगाओ, सेल वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1.5 असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका डाटा सेम आएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पूरा एनालिसिस करके सपोर्ट लगाया, सपोर्ट लगाने के बाद जब रन एनालिसिस पे गए तो वहाँ पर वैल्यू आती है कि ये वैल्यू आएगी ये एनालिसिस के लिए, ये रिजल्ट आएगा। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि उसका डिफरेंट क्यों आ रहा है, जैसे हमने WL स्क्वायर पे ऐड किया तो वहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है यूनिफॉर्म की, क्यों आ रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो प्लीज़ इसके लिए भी तैयार रहना कि माइंड पे प्रिपेयर करके रखो कि ये पूछ सकते हैं। यूज ऑफ रन स्ट्रक्चर विजार्ड, मैंने स्टार्ट में ही जब ओपन किया सॉफ्टवेयर तो आई आज द क्वेश्चन ना फ्रॉम यू कि व्हाट इज द यूज ऑफ रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो फ्रेंड्स ये एक जस्ट लाइक ए ब्लॉक होता है जिसमें ब्लॉक में डायनेमिक ब्लॉक होता है जिसको हम एडिट करके अपने अकॉर्डिंग जैसा हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डायरेक्ट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर भी जो मुझे रिसर्च में मिला कि फाइल फॉर्मेट ऑफ द स्टैट प्रो, दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बताया .std, तो इसको भी आप अच्छे से माइंड में रख लेना। हाउ टू इम्पोर्ट AutoCAD फाइल into स्टैट प्रो, ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें ना छोटी सी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, तो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को देखे हैं तो आपको शायद वो क्रिटिकल चीज़ें मिल जाएं, अदरवाइज बड़ी मुश्किल से वो क्रिटिकल चीज़ें मिलती हैं। क्या क्रिटिकल चीज़ें हैं, आप AutoCAD में फाइल बनाते हो, ठीक है, AutoCAD में आपने जो भी सॉफ्टवेयर में तैयार किया, ठीक है, अब उसको जब इम्पोर्ट करने लगे तो आपकी कभी आधी फाइल आती है, कभी पूरी फाइल आती है, कभी एक लाइन आ जाती है। सबसे पहले AutoCAD में सेंटर लाइन ड्रॉ करो, क्या करो, सेंटर लाइन ड्रॉ करो,
और ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि जब सेंटर लाइन ड्रॉ किया है तो वो कोई भी क्लोज लूप में नहीं होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए, सारे कैसे होने चाहिए, सिंगल लाइन होने चाहिए। मतलब क्लोज लूप हुआ, अब क्लोज लूप मतलब ऐसा नहीं कि ज्वाइन नहीं रहेंगे, ज्वाइन तो रहना ही रहना है, रेक्टेंगल नहीं रहेंगे, पॉली लाइन नहीं रहेगा, केवल लाइन रहेगा, मतलब एक सेगमेंट अलग, दूसरा सेगमेंट अलग, तीसरा सेगमेंट अलग, इस तरह रहा। उसके बाद उसको लोअर वर्जन के फाइल DXF में, .DXF फॉर्मेट होता है उसका, उसमें सेव करके ही इंपोर्ट करना है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। दूसरी और क्या गलती आपसे होती है, जब आपको कोई सर्कुलर शेप लाइक आपको लेना है तो आप क्या करते हो, सर्किल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हो, और सर्किल कभी भी स्टैट प्रो में इंपोर्ट नहीं हो सकता है, अगर आपको चेक करना तो आज करके देख लेना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पॉलीगॉन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, पॉलीगॉन लेना पड़ेगा। पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 20-22 डाल दोगे तो जस्ट लाइक अ सर्कुलर शेप दिखेगा, वो सर्किल की तरह दिखेगा, और उसको देखने के बाद उसको सेलेक्ट करो और एक्स इंटर मतलब एक्सप्लोड कर दो। आपको पता होगा ऑटोकैड में, आपने सीखा होगा एक्सप्लोड कमांड, तो जैसे एक्सप्लोड करोगे ब्रेक हो जाएगा, फिर उसमें से जितना सर्कुलर शेप चाहिए उतना आप ले लो, बाकी सबको डिलीट कर दो। वही एक मेथड है जिससे आप इजिली इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज सर्किल आपका इंपोर्ट होने से रहा, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक लगभग सारा कुछ स्टैट प्रो कंप्लीट किया है, और मेरा एक एक पेड वर्जन भी आ रहा है जिसमें हम लोग 4 लाइव प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। 4 लाइव प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उसमें स्कूल बिल्डिंग हम लोग लेंगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग लेंगे, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल, इस 4 टाइप की बिल्डिंग हम लोगों ने लिया है उसमें। और साथ ही साथ जो आपने रामा रुतम की बुक में या कोई अच्छे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन बुक्स से जो न्यूमेरिकल्स देखे थे, वो न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व किया था उस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे मैनुअली बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ उसको सॉफ्टवेयर पे कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर पे न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत से एडिटिंग्स हैं, बहुत से टाइम लगता है, और मेरा ऑफिस भी रहता है दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू इम्पोज विंड एंड अर्थक्वेक लोड, ठीक है। विंड मतलब विंड और सेस्मिक कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों इनको याद रखना कि विंड एक टाइम पर लगाएंगे या केवल अर्थक्वेक लगाएंगे, दोनों एनालिसिस एक साथ नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, जब विंड या अर्थक्वेक लगाओगे तो लोड कॉम्बिनेशन जरूर ऐड करना। क्या ऐड करना, लोड कॉम्बिनेशन, क्यों, क्योंकि लोड कॉम्बिनेशन से ही सही रिजल्ट आपको मिल सकता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा अर्थक्वेक और वाई डायरेक्शन में कितना आएगा। सो प्लीज़ याद करके रख लो, लोड कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो आज ही सर्च कर लो गूगल पे, आपके IS कोड में IS 875 Part 3 में देखना, Part 5 में देखना, सारे लोड कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। विच कोड बी यू, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच कोड कोड बुक बी यूज फॉर द विंड एंड लोड कैलकुलेशन। सबको पता है कौन सा कोड यूज़ करते हैं विंड लोड के लिए, IS 875 Part 3, ठीक है। मैंने सेस्मिक का तो मैनुअल कैलकुलेशन बताया हुआ है, आप देख लेना, लेकिन मैं विंड का भी बहुत जल्दी मैनुअल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, मैं बस उसी पे काम कर रहा हूँ, तो जल्दी ही उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट सीट ऑफ रिजल्ट्स, आपने रिजल्ट बनाया तो उसका जो रिजल्ट है कैसे लोगों को दोगे आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना स्टैट प्रो में आपके पास एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, आपके पास एक रिजल्ट सीट आएगी और उसको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके उसको आप उसमें रिजल्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 15 क्वेश्चन जो मेरी नज़र में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे डिस्कस किया, आई थिंक आपके लिए काफ़ी यूजुअल होगा अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस के और लेके एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाओ। मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो मैंने अब तक में रिसर्च किया है। बाकी सारे वीडियोस को देखो, आप जो एक प्लेलिस्ट मेरे पास है, मैं आई बटन में आप लगा देता हूँ, तो उनको देख लेना यार कि उनमें ना जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो मैंने एनालिसिस करवाए वो सारों को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और उसमें भी कोई डाउट आता है तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर ही करना, और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दो कि सर ये रिजल्ट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, या मेल कर सकते हो आप मुझे, तो ज़रूर मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो जस्ट और जस्ट डिस्कशन के लिए था, और आज का दिन बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हुआ जाए, और आपके जो क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में प्लीज़ कमेंट करो। और ये वीडियो फुल और फुल सजेशन के लिए, आप मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपने बताया है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑफकोर्स यार ज़्यादा काम हो जाए तो थोड़े थोड़े एक एक करके ही काम किया जा सकता है। और आपको कुछ भी अगर नया सीखना है तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।